अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज की इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल एक ऐसा पौधा शेयर करन लगा वा जिन्हों ला के तुसी लखपति हो सकते हो ते ज़ाफरान जिन्ना मुनाफा कमा सकते हो। एक बार एक साल लाओ तो 10 साल यह पौधा चलता वे। इस पौधे का नाँ है आरनिका। पाकिस्तान हजे तक यह पौधा जिहड़ा काश्त नहीं हो रहा है। इटली के किसान इस पौधे नूं ला के खुशहाल हो चुके ने। तो मैं चाहना वा पाकिस्तान दे विच भी यह पौधे नूं ट्राई किया जाए। इस पौधे दियां काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बनदियां ने, तेल हो गया, क्रीम हो गई, साबन हो गया। मैं स्क्रीन दे उत्ते तुहानूं विखावांगा इहदियां किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां बनदियां ने। तुसीं प्लीज़ यह वीडियो पूरी जरूर वेखनी है। तुहानूं इस वीडियो दे विच जानन नूं मिलेगा ते किसान भाई जिहड़े ने उह ते लाजमी है वीडियो। इत्थे फुल लाने ने वही आरनिका ना, यदि मैं वीडियो बनाई है किस तरह से सारा काम किया वे, किस तरह फुल लगते हैं, जगह किस तरह की चाहिए है, यह सारा मैं वीडियो बनाई हुई है। सही है, इस जगह के उत्ते असी 35,000 पौधा लाना। और तुहानू नज़र आ रही दो हिस्से, एक हिस्सा है 35,000 पौधा लगना इस साल। तो असी जो पहला लाया पौधा वो तुहानू मैं मानना वा। एक मिनट में तुम्हें यह जरा साढ़े दोस्त ने सीए काम करने पे सर, तो अज असी काम है मुका लिया वे, तो हूँ समान शमान असी गड्डी रख दिता वे। यह सारा समान, यह पानी है हाथ धोने वास्ते, यह दूसरिया चीज़ा ने गड्डी च वाली हूँ रख लिया। तो यह जड़ा ही दोस्तों पिछले साल लाया पौधा, तो यह हूँ पुंगरन डिया है। बहार का मौसम आया वे, क्योंकि इतने 3 महीने जी बर्फ रही है, 3 महीने जी है ना इतने बर्फ रही है। हूँ अप्रैल की 22 तरीक है अज, तो यह थोड़ा मैं अगे बहाना वा। यह उस तो 2 साल पुराना वे, इस तरह ही उपर जोड़ा 4 साल पुराना है। जिन्ना भी तुम वेखते पे हो, यह 1.25 लाख पौधा लगा हुआ है। एक पौधे जोड़ा ना 12 से 15 फुल लगते हैं, तो वो मैं तुम्हें वीडियो या तस्वीर फुलों की विखा दाँगा किस तरह के होंगे ने, की सिस्टम है उन्होंने, मैं सारा तुम्हें विखाना वा गुजा के। यह वेखो इतने बर्फ पई होंगी है, तो यह सारे सुक जाते हैं, मतलब बहार के मौसम से फिर ठीक हो जाते हैं। वेखो हम पुंगरने शुरू हो गए हैं, इस तरह ही होंगे वे। ये टाट त लाई दे कि जड़ा ना घा ना ज़्यादा हो गए, मेहनत ना करनी पे। यह पौधे सिर्फ तुम एक बार लाना टाट ला के तुम वीडियो अगर वेखोगे, तो होर यदि कोई मेहनत नहीं है। पूरा साल सिर्फ तुसी एक बार घा कटना करना, होर यदि कोई मेहनत नहीं है। बड़ा ईजी काम है, तो चंगे पैसे ने ये। तो असा सानू पाकिस्तान चीज़ों का पता ही नहीं है इन्ना, असी सिर्फ कणक मुंजी तो रह गए हैं। होर सानू दस दिना साढ़े कोई हुक्मरान एडे अच्छे ने कि जेडे रिसर्च करन। तो इत्थे वेखो ये लोग यह पौधे लगा लगा के एडे महंगे आ पौधे ने, कि ज़ाफरान जिडे महंगे ने। तो 8-9 साल यह पौधा चलता है, एक बार ला लो तो 8-9 साल तुम आराम सुकून रहते तो फुल उतार सकते हो। तो हूँ मैं तुम्हें दस देवा कि यह किस मौसम च लग सकता, किहड़ी जगह च लग सकता। मैं जिथे इस टाइम मौजूद हाँ ना, यह सता समुंदर तो 1196 मीटर उच्ची जगह वे यह वाली ना। तो ठंड है काफ़ी, जिस तरह साडा कलाम स्वात होंदा ना ठंडा, इस टाइम अप्रैल का खत्म होने दिया, तो ठंड चंगी पली, असं जैकटा पा के काम करने पे हैं। और वेख ला तुम मुंडिया उन्होंने जैकटा पाइया ने, एक ने शर्ट पाई है पर उन्हें मोटी पाई है, दो ने जैकटा पाइया ने, वह परले ने भी जैकट पाई है। तो यह जड़ा वे ठंडे इलाके होंगे वे, जिस तरह स्वात हो स्वात कलाम, जिथे टैंपरेचर ज़्यादा तो ज़्यादा भी 20 उत्ते टैंपरेचर ना हो, 20-22 तो घट जो वे जिन्ना मर्जी हो जाए पौधा फिर उत्थे सर्वाइव करता वे। यह तुम वेखते पे कि सोहना लगता है, तो यह उस जगह पर लगता पंजाब एरिए, मैं नहीं लगता लग सके। तो तुम वेखते पे दरख्त उन्होंने परली सैडल भी असं जो 2.5-3 लाख पौधा लाया हो, यही पौधा जोड़ा वह भी लाया वे। तो हर साल जोड़ा ना 30-35 हज़ार बधाई दा, क्योंकि लेबर इतने इन्नी है कोई नहीं, तो जिनी लेबर होए उस हिसाब न फिर लाते ने। तो सानू पाकिस्तान वाले ने भी यह ट्राई करना चाहिए पौधा, अगर किसी
कोई दिलचस्पी रखता लाण दे विच किसी भी चीज़ दे विच उहनूं इनफॉर्मेशन चाहीदी है तो वह थले कमेंट्स करे, मैं उहनूं जरूर रिप्लाई करांगा, मैं उहदी पूरी रहनुमाई करांगा किस तरह लगता वे की हुंदा वे। तुसीं अगू वेखो वीडियो च ते सी आ जिहड़ा काम सामने कीता वे किस तरह कीता, उस तों बाद मैं अगली वीडियो दे विच जिहड़ी है ना वह तुहानूं दसांगा पौधा लग दो वीडियो च पार्ट दो पार्ट होणगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाणी है काफ़ी। मैं अगली च दसांगा तुहानूं लगदा किंजे अगू सर्वाइव किंज करदा वे, दी पनीरी लगती है सही है। यह तुसीं दरख्त वेखदे पे दरख्तां दी परली साइड वाले जिहड़े पहाड़ियां ने तो उत्थे बर्फ हजे भी पई हुई है, वो तो तकरीबन सारा साल चोटियां दे उत्ते बर्फ रहिंदी है तां करके इत्थे ठंड ज़्यादा ना। तो तुसीं अगू वीडियो वेखो तो अगर वीडियो अच्छी लगी होए तो लाइक तुसीं करना है, थले कमेंट्स करना है तुसीं अगर दिलचस्पी रखते हो तो पंजाब एरिए भी जो फुल लग सकते हैं वो भी मैं वीडियो बनाई हुई है, तुसीं मेरे चैनल पर जाके वेख सकते हो। इस तरह से घा जो साफ करना पहला इतने वड्डा ट्रैक्टर वज्जा सी, वड्डे ट्रैक्टर के नाल वाई ही, उस तो बाद छोटे ट्रैक्टर के नाल किया गया तो हूँ असी सारा जो घा है ना उन्होंने असी लैदा करना वे, फिर ये उत्ते टाट बिछावे जिस तरह और टाट लगे ने ते उस तो बाद फिर फुल लाए जाएंगे भी तुम्हें मैं सारा कुछ बहावगा। इस तरह जो ना घा असी इकट्ठा करना वे वेखते प्यो दोस्तों, यह सफाई हो गई है, घा शा साफ हो गया बिल्कुल, तो यह टाट लाया वे टाट बिछाया वे ए सरिए भी लाने ने टाट जोड़ा इतों असी कट देना वे तो यह बस सीधा करन डे हैं कि दूरों वेखिए तो एको ही लाइन लगे ना परले तो यह मैच कर जाना और दूरों सामने जोड़ा रोड है और रोड तो कोई वेखे तो बिल्कुल उन्होंने सीधे नज़र आना बिल्कुल सीधा लाइना जड़िया ने टाट दियाँ बिल्कुल सीधिया आन। इस तरह साफ हो गया, इस तरह ही परले सारे असी साफ करने ने ते मटीरियल भी आ गया सारा ना इस ट्रैक्टर के उत्ते मटीरियल आया ट्राली ट्रैक्टर से ना ए वाली यह मटीरियल है यह टाट ने इन्हें मोहरिया कीतिया ने इस तरह ही तो बाकी मैं थोड़ा मटीरियल विखाना वा सरिए ने यह सरिए ठोकने ने टाट के बच्चे क्योंकि हवा ना लुट जाते हैं तुम वेखते पे सरिए छो ए वेखो बिच ए भी लाए ने सरिए इस तरह सरिए सारे लाने ने एक लोहे का भी इतने है ना सरिए ए बरीक बरीक लगा था ना लोहे का ए भी लाना है सारे सरिए लाने ने इंजी ना तो यह टाट भी लाई देने उत्ते मटीरियल सारा इस ट्रैक्टर पर आया मटीरियल ना सारा यह वेखो तो एक खाद भी पाई ये ना फ्रूट वाली खाद है फ्रूट जिहड़ा पच नहीं जाता जिहड़ा सुटने असी छिलके वगैरह उहदी आ खाद बनी है ए वेखो ए काले रंग की खाद है ए वेखो ए पाई दी खलारनी है पहला ना ए पैली दे विच पहला खलारनी फिर सफाई करके फिर उत्ते आ लाना हुण असी बन्ना इन्हां नूं जिहड़ा टाट इन्हां नूं बन्नांगे अच्छे तरीके दे नाल। ओ वेखो बंदा घा सुटन डिया दा ਇਹ ਘਾਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਡੇ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਘਾਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ हूँ तुम्हें मैं बहाना वा कि जो टाट है यह किस तरह लाना वे ए तुम वेख रहे हो बंदा एक टाट के जड़ा खोब रहा वे छोटे छोटे सरिए ने है तो यह जड़ा वे एक टाट तो दूसरे टाट का जड़ा फासला वे वह लकड़ी जी उन्हें हाथ से फड़ी है वो नापेगा पूरे हर जगह तू इको जहा रखना है क्योंकि जो ए घास उगेगा ना जो राहदारी है तो फिर घास भी कट्टी दा मशीन दे नाल ना तो बड़ा सोहना लगता वे फुल होंगे ने फिर घास होंगे फिर फुल होंगे ने तो यह तुसी वीडियो दे विच वेखोगे थोड़ी मैं तस्वीर एक दो नाल शेयर करांगा तुसी वेखोगे बहुत सोहने फुल लगते हैं पीले तो नाल ग्रीन होंगे नाल येलो होंगे रंग फासला एको जिहा रखने वा तो तुम वेखते हो बंदा जो फासला रख रहा है तो मैं रूल जो एक साइड तो मैं फड़े एक साइड तो मेरे दोस्त ने फड़िया
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਝ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼